ओम गं गणपते नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज चौथ पर गणेश जी और चंद्रमा की यह कहानी। गणेश जी ने चंद्रमा को दिया था श्राप, जिसे चंद्रदेव ने खो दी अपनी चांदनी। एक बार गणेश जी मूसक पर बैठकर कहीं से आ रहे थे। उन्हें देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास बनाया, जिससे गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का रूप सबसे अलग होने के बावजूद भी सबको भाता है। गज का मुख, छोटा कद, मोटा पेट और उस पर चूहे की सवारी। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता कहे जाने वाले गणेश जी हमेशा अपने भक्तों का हित ही करते हैं। क्या आपको पता है कि इतने सीधे सरल दिखने वाले गणेश जी का क्रोध अपने पिता की ही भांति अत्यंत तीव्र है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं आपको एक कथा। जब चंद्रमा हो गए थे गणेश जी के क्रोध का शिकार। आइए जानते हैं गणेश जी ने चंद्रमा को क्यों दिया श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार बात उस समय की है, जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उनके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूसक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूसक उछला और उस पर विराजमान गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। चंद्रमा ने उड़ाया मजाक, वे उठकर खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं है ना। यह देख वह संतुष्ट हो गए कि किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, परंतु इधर उधर तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में चंद्रमा को उनके ऊपर हंसता हुआ पाया। यह देख गणेश जी को शर्म आई। गणेश जी महाराज को आया क्रोध। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उनका उपहास कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरी लाचारी पर हंस रहे हो, यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी का उपहास करना देवताओं नहीं तो अपितु दैत्यों का कार्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जिस चांदनी का गुरूर है, आज के बाद तुम उसे खो दोगे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही वह हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। यह देख चंद्रमा गणेश जी के शरणागत होकर बोले, हे दुखहर्ता, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने अभिमानवश आपका परिहास किया। अगर मेरी चांदनी ही चली जाएगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने किए का एहसास है, कृपा कर मुझे माफ़ करें भगवान, और आप श्राप वापस ले लें। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत होते देख गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान देता हूँ। यह तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन के लिए, उसके अलावा तुम्हारा तेज कम ज़्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ खास त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें।
ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।